क्या आप लोग भी YouTube की लिंक को अपनी Instagram स्टोरी में शेयर करते हैं लेकिन ना आपको व्यूज आते हैं ना सब्सक्राइबर्स आते हैं, क्योंकि आप लोग गलत तरीके से डाल रहे हो अपनी YouTube लिंक को अपनी Instagram स्टोरी में। अगर आप सही तरीका फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा व्यूज आएंगे एंड ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी आएंगे। और सही तरीका कहाँ मिलेगा, ऑब्वियसली इसी वीडियो में मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने वो स्टेप्स फॉलो करी जो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोगों की Instagram स्टोरी में जो आप YouTube लिंक शेयर करोगे उससे आपको ज्यादा व्यूज एंड ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे। एंड मैं आपको कुछ यूनिक तरीके भी बताऊंगा Instagram स्टोरी में YouTube लिंक शेयर करने के। इसीलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करना कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों का कोई यूट्यूब चैनल है या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरा नाम है मनीश और आप देख रहे हैं मनीश यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिस वजह से हम लोगों को YouTube वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं और ना ही हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर आ रहे हैं जब हम लोग YouTube की लिंक अपनी स्टोरी में डाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से Instagram को ओपन करते हैं। ये Instagram ओपन कर लिया मैंने, अब हम लोगों को चलना होगा YouTube पर। तो हम लोग आ जाते हैं YouTube पर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सर्च करते हैं अपना चैनल मनीष फॉर यू, सर्च कर लिया और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वीडियो का लिंक कॉपी कर लेते हैं, ये वाली वीडियो का कर लेते हैं, ठीक है। शेयर पर क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद और यहाँ से कॉपी कर लेंगे, है ना। लिंक कॉपी कर लिया, अब हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि यहाँ पे आ जाएंगे अपनी Instagram स्टोरी में और यहाँ से कुछ भी ऐसे फोटो वगैरह सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ऐसे। और हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे ये लिंक वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पे ऐसे लिंक पेस्ट कर दिया और डाल दी, है ना। अभी बोलते हैं कि वॉच नाउ ऐसा कुछ लिख देते हैं हम लोग, या फिर अगर हम लोग खुद भी वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नई वीडियो आ गई है इस पर क्लिक करो। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे स्टोरी ऐसे डाल देते हैं। ये देखो हमने स्टोरी डाल दी यहाँ पे, हम लोग डाल देते हैं, ये शेयर हो रही है और ये डन, ठीक है। हम लोगों ने बनाई स्टोरी, डाल दी, लिंक भी डाल दिया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये हो गई। अब जैसे इस लिंक पे कोई टैप करता है ना, तो क्या करता है कि ये जो लिंक है ये ब्राउज़र में ओपन होती है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्राउज़र में ओपन हो रही है, अभी ओपन हो गई। अब यहाँ पे ना मैं चाहूँ तो भी लाइक नहीं कर सकता, ये देखो साइन इन मांगेगा, सब्सक्राइब करने जाऊँगा तो साइन इन मांगेगा, ये देखो। तो ये गलत तरीका है YouTube लिंक शेयर करने का अपनी स्टोरी में। सही तरीके के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में। हम लोग आ जाते हैं क्रोम में और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ऐप ओपनर, ठीक है। ये हम लोग सर्च करेंगे ऐप ओपनर, ये ओपन कर लिया, ये वेबसाइट आ जाएगी। इसको हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा, तो इसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करनी है जो हम लोगों को अपनी Instagram स्टोरी में शेयर करनी है, ठीक है, YouTube की लिंक। तो अब एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मेरे चैनल पे काना भाई YouTube, ये रहा। और यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप लोगों को थ्री डॉट्स पे फिर से क्लिक करना है, शेयर पे ही जाना है और कॉपी लिंक करना है। मैंने पहले से कॉपी कर रखी थी, जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, है ना, ताकि काफ़ी लोग जो बिगनर्स होते हैं उन्हें मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि करना क्या है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे और हम लोगों को यहाँ पे जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये बोलेगा कैप्चा डालने का, तो कैप्चा डाल देते हैं यहाँ पे PBTA, ठीक है, और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी लिंक है वो शॉर्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉपी हो गई, लिंक कॉपीड आ गया, मतलब हमारी ये लिंक कॉपी हो चुकी है। अब हम लोगों को जाना है Instagram पे, तो हम लोग डायरेक्टली Instagram को ओपन करेंगे यहाँ से और Instagram को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। Instagram ओपन कर लिया, अब सबसे पहले बैक करेंगे और इस वाली स्टोरी को यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हम लोगों ने डिलीट कर दिया, डिलीट फ्रॉम Instagram। हम लोग तो यहाँ पे मैंने अपने Instagram को Facebook के साथ कनेक्ट कराए, तो दोनों जगह ऑटोमेटिकली स्टोरी चली जाती है, तो डिलीट फ्रॉम बहुत कर देते हैं। तो ये डिलीट हो रही है स्टोरी यहाँ पर, ये डिलीटिंग, ठीक है। अब हम लोगों को स्टोरी किस तरीके से डालनी है, अगर आप लोग अपनी वीडियो शेयर कर रहे हो तो कैसे स्टोरी डालनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ऐसे जाना है और कुछ भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाके यहाँ से थोड़ा सा ना लाइट और थोड़ा सा डार्क कलर आप लोग अपने थंबनेल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा थंबनेल थोड़ा सा डार्क है तो यहाँ पे मैं लाइट कलर सिलेक्ट करूँगा, ये वाला ग्रे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हम लोगों को फोटो वाले ऑप्शन में जाना है। अब हम लोगों को उस वीडियो का थंबनेल सिलेक्ट करना जो वीडियो हम लोग शेयर करना चाहते हैं अपनी Instagram स्टोरी में। अगर आप लोग अपनी खुद की वीडियो शेयर कर रहे हो तो थंबनेल तो होगा ही आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने बना के रखा होगा तो जस्ट आपको उसको सिलेक्ट करना है। थंबनेल को आप चाहो तो नॉर्मली ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि आपका थंबनेल कट रहा है तो आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से यहाँ पे
सेलेक्ट कर सकते हो ताकि यूजर्स को पता लगे कि यार ये वीडियो किस टॉपिक पे, कौन से वीडियो पे हमें ये भेज रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप थंबनेल जरूर से यूज करें। अगर आप लोग सिर्फ इस तरीके की डालते हैं, लाइक अपने फेस की नहीं डालते वीडियो कि गाइज मेरी नई वीडियो आ गई है सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे लोग यार रेगुलरली नहीं चाहते कि मैं फेस वगैरह दिखाऊं, क्योंकि मैं भी फेस दिखा के नहीं बोलता कि वीडियो पे जाओ, क्योंकि यार अब मान लो कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं घर से बाहर हो, आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली पब्लिश वगैरह हो गई है तो आप वहाँ पे तो नहीं बोल सकते। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि थंबनेल के साथ शेयर करो अपनी वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम लोगों को यहाँ पे जाना है और लिंक वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो लिंक का ऑप्शन कहाँ रहा, ये रहा, इस पर अब हम लोगों को वो लिंक पेस्ट करनी है जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी करी है। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे कस्टम टैग्स को ऐड करना है, यहाँ पे कस्टम टैग्स स्टिकर पे जाना है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो क्लिक हियर फॉर वॉच वीडियो, ठीक है, ऐसा एग्जांपल में दे रहा हूँ, या फिर आप लिख सकते हो क्लिक हियर फास्ट, है ना। ऐसा कुछ लिखोगे ना फास्ट वगैरह तो लोगों को ऐसा आएगा कि मतलब नहीं क्लिक करना चाहिए, फटाफट डन पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्लिक हियर फास्ट आ गया। अब आप लोगों को ना स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना होगा। पहले तो इसको तो हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखो साइज में कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। अगर कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कलर चेंज का, कर दिया। अब हम लोगों को स्टिकर वाले ऑप्शन पर जाना है, ये स्टिकर वाले ऑप्शन पर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं क्लिक हियर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक हियर लिखा हम लोगों ने और यहाँ पे हमें काफ़ी स्टिकर्स देखने को आ जाएंगे। तो पहला तो हम लोग ये वाला लगा देंगे कि यहाँ पे हमें क्लिक करना है, और एक स्टिकर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखने को मिल जाता है ये वाला तो लोगों को पता लग जाता है कि यहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। चाहे तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दिया हूँ। अब हम लोगों को इसको शेयर कर देना है, ठीक है। ये शेयर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखो डन पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देखना ये जो लिंक है ना, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम लोग डायरेक्टली YouTube ऐप पर जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, ये हमने क्लिक करा विजिट लिंक पर, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो ओपन हो गई है। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली क्या होगा कि लोग देख सकते हैं, लाइक करना तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लोग भी इसी तरीके से वीडियो मिस ना करें। मतलब आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है, अगर आप लोग ऐसे शेयर करोगे ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना मोबाइल में ही यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम और मोबाइल में यूज़ करते हैं यूट्यूब। तो क्या होगा कि वो जैसे क्लिक करेंगे ऐप में आएंगे ना, तो ऐप में सभी की आईडी बनी होती है, लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे एंड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। इस तरीके को फॉलो करिएगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।